धन्यवाद। इस नए साल में नए संकल्प के साथ पैरामाउंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमने नाम लिया पैरामाउंट। आप सोच कर आते हैं कि एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है अपने कैरियर को बनाने के लिए, लेकिन हमारी सोच इससे कुछ अलग है। ये पैरामाउंट एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक सोच है, एक मिशन है, एक वैसा मिशन है जिसमें हम आपके मिशन को साकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, अभी सर ने कहा भारी भरकम शरीर को लेकर के हम हाई पे चढ़ जाते हैं। ये एक एग्जांपल है कि हम कैसे चाहते हैं। माउंटेन के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे, शेरपाओं से बात करेंगे, तो कहेगा 30 साल से नीचे के जो लड़के होते हैं, नौजवान, बिल्कुल नौजवान लड़के होते हैं, वही चढ़ सकते हैं। लेकिन हमने इसको गलत साबित किया। ये साबित कैसे हुआ? ये साबित हुआ एक मजबूत संकल्प, एक मजबूत इरादे, नेक नियति, ईमानदारी। अगर ये सोच है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जिस कैरियर को बनाने के लिए आज आप यहां मौजूद हैं, उसके लिए भी अगर पूरी नेक नियति, ईमानदारी, मजबूत संकल्प के साथ अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो याद रखिए सारी शक्ति आपके सपोर्ट में आएगी। जहां सच्चाई होती है, एक वैज्ञानिक खोज से स्पष्ट हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मिशन के प्रति, तो ब्रह्मांड में उस तरह की पॉजिटिव ऊर्जा का सृजन होता है, और वो ऊर्जा आपके लिए सहायक के रूप में, आपको गति देने के लिए सदैव आपके पीछे रहती है। इसलिए हम आम जिंदगी में भी सुनते हैं कि भाई इंसान तो बड़े दिल का सच्चा था, इसीलिए तो जीत गई, ईश्वर भी तो उसकी मदद करते हैं। ये सारी बातें कुछ और नहीं है, एक मजबूत संकल्प, सोच को लेकर अगर आप मिशन के लिए तत्पर हैं, उसके प्रति एक हट है कि हम मिशन को पाकर के ही रहेंगे, तो याद रखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माउंटेन में भी यही होता है। डेंजरस डेंजरस माउंटेन जब हम देखते हैं तो कहते हैं ये तो कोई खास बात नहीं है, अगर इंसान जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। यही सोच था कि आज एक एग्जांपल देते हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। हमारा कुछ टेस्ट किया गया, अभी मुझे जाना था ऑस्ट्रेलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, वहां का एक डेंजरस पीक है, कार्टेस पिरामिड जो आप जानते हैं, वोल्केनिक पीक है। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि आप एक बार मेडिकल चेकअप कराइए, अब कुछ चेकअप होगा अमेरिका, ब्लड लेने के बाद वो सैंपल जाएगा अमेरिका, फिर वहां से एक महीने बाद आएगा। और वो टेस्ट हुआ, वापस आया, उसमें कमेंट लिखा हुआ था, हमने लिखा था कि हमारी उम्र तो 43 साल है, उसने कहा 43 साल तो उम्र है लेकिन स्टेमिना 20 साल के बराबर। 20 साल के लड़के में जो स्टेमिना होता है वो हमें था, तभी तो इतने कठिन से कठिन माउंटेन पे हम चढ़ जाते हैं एक सोच को लेकर। हमने कहा ये पैरामाउंट इंस्टीट्यूट नहीं, एक मिशन है, एक सोच है। इसी सोच के तहत मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हमने शुरू किया कि हमारे देश के जवान, चूंकि मैं माउंटेन पर चढ़ता हूं और माउंटेन के क्षेत्रों में ही कई बार जवान, हमारे जवान जो देश की रक्षा करते हैं सीमा पर, बिना लड़े भी एवलांच से, फ्रॉस्टबाइट से मौत हो जाती है, जैसे पिछली बार देखा था एवलांच हुआ था तो कई जवान हमारे मारे गए थे। मैं उसको देख रहा था और हमने उसी समय संकल्प किया कि क्यों ना हम ऐसे जवानों के बच्चे, हमारे देश में होता क्या है कि जब जवान मरते हैं उस समय तो श्रद्धांजलि दी जाती है, कई तरह के उनको महिमा मंडित किया जाता है, बाद में हम भूल जाते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी बीवियां कैसी हैं जो बेवा हो गई। हमने उसी समय संकल्प लिया था कि हम एक ऐसी श्रद्धांजलि चलाएंगे जिसमें उनके जो जवान सिर्फ मिलिट्री के ही नहीं, पुलिस के भी, वो भी तो देश की सेवा करते हैं, पैरामिलिट्री के जवान के जो जवान शहीद हो गए उनके बच्चों को हम अपने इंस्टीट्यूट में, चाहे हमारे कोई भी ब्रांच हो इंडिया में, हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर वो मुखर्जी नगर आते हैं तो वहां रहने की सुविधा भी हमारे तरफ से पूरी तरह से फ्री है।
आज देश में अगर विवादित बात करेंगे तो विवाद हो सकता है पॉलिटिक्स पे, पार्टी पे, बहुत तरह के विवाद हो सकता है, लेकिन हम सरहद पे जो जवान हमारे खड़े हैं, विकट परिस्थितियों में जो खड़े होते हैं, वहां किस तरह की हवा चलती है वो मैं जानता हूं, क्योंकि जेके सिंह के रूप में है माउंटेन हमारा, वहां वो खड़े रहते हैं देश की सीमा की सुरक्षा के लिए। उनके प्रति कहीं से कोई प्रश्न हम नहीं उठा सकते, इसीलिए हमने लिया। और इसी संदर्भ में हमने डिस्कस किया हमारे माननीय बिट्टा साहब से, ये भी खुश हो गए, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बिट्टा साहब की पूरी जिंदगी इन्होंने आतंकवाद को झेला है और आज भी आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं, उनके बीवी बच्चों का ये सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि हमने इनको बुलाया कि आप लोगों को भी कुछ देशभक्ति, क्योंकि सच्ची बात है कि आप सभी देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। हम अगर देश को ध्यान में रखते हुए, देशभक्ति के ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी सेवा सरकार में रहकर, कहीं भी रहकर देते हैं, इससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। इसीलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय बिट्टा साहब को।